सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की मॉर्निंग शुरू हुई है हमारी गुड़गांव के स्टेशन से, और मैं ये रहा, सेम कपड़े सेम चीज़ मैंने पहनी हुई है, क्योंकि अभी कपड़े नहीं है, क्योंकि सारे कपड़े फ्लैट में फेंक के आ गया हूँ, जो नया रूम शिफ्ट किया मैंने। सो अभी कुछ है नहीं, अभी फ़िलहाल जयपुर जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी का जो सामान है वो मैंने लेने जाना था जो रह गया है। सो अभी ट्रेन है मेरी सुबह की, तो मैं निकल रहा हूँ। टाइम सिर्फ 9 बजे हैं अभी, और इतनी धूप हो रखी है। तो ये गुड़गांव का स्टेशन है, जो अंदर हम घुस चुके हैं गुड़गांव स्टेशन में, और हमारी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट आने वाली है। बस फाइनली गाइस स्टेशन तक पहुंच गए हम। ट्रेन बस आने में सिर्फ 2 मिनट की देरी थी, मतलब वो आ गई पीछे से, वो देखो ट्रेन आ रही है ना उधर, वो ट्रेन आ रही है और मैं अब पहुँचा हूँ। जस्ट मान के चलो 1 मिनट पहले ही पहुँचा हूँ बस ट्रेन के। फिलहाल कोई नहीं, पास में ही था और मेरा रूम, मतलब मेरे दोस्त का रूम जहाँ पर रुका हुआ था, तो इसलिए जल्दी पहुँच गया। अभी फ़िलहाल देखते हैं, इस बार तो ऐसे जनरल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट निकल रहा हूँ। ट्रेन बुक नहीं थी, तो ऐसे निकलना पड़ रहा सीधा। तो गाइस ट्रेन तो पकड़ ली मैंने, बट एक गड़बड़ हो गई गाइस। ट्रेन तो पकड़ ली मैंने, बट एक्चुअली में क्या हुआ है, जो ट्रेन पकड़ी है वो फुल एसी है यार, उसके अंदर जनरल डब्बा ही नहीं था। अब मुझे लगा लास्ट में डब्बा होगा, चल पड़ी फिर मैं चढ़ गया एसी वाले डब्बे में। अब मैं क्या करूँगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अब नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, या फिर टीटी से बात करके थोड़ा टिकट बनवानी पड़ेगी एसी की। क्या करूँ मैं, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और इसके बाद कोई ट्रेन भी नहीं है, 12 बजे की ट्रेन है मेरे ख्याल से। तो अब एसी में जा रहे हैं बैठे आराम से, 100 रुपये देंगे। तो गाइस 2 दिन पहले जहाँ से शुरुआत कर रही थी वहीं पे आ गए, जयपुर में वापस आ गए। और ये देखो जयपुर का, जयपुर सिटी देख लो गाइस, इसके अंदर ये सारी जयपुर सिटी है। देखो ये पूरा मॉडल बना के रखा हुआ है जयपुर सिटी का। सो गाइस ये जो बना रखा है इन्होंने, ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन, ऐसा बाहर से दिखता है। देख रहे हो सेम टू सेम मॉडल बना के रखा हुआ है। तो फाइनली गाइज वी आर बैक इन द सिटी, फिर से जयपुर में हम आ गए हैं। सुबह 10:30 बजे बैठा था, 1 बज गया, पहुंच गया सही टाइम से। सफ़र अच्छा रहा हमारा एसी में, वेरी गुड। सेटलमेंट कभी कभी करना पड़ता है। फिलहाल स्टेशन में पहुंचे हैं, ये देखो जयपुर का स्टेशन है, बहुत अच्छा है। देख रहे हो कैसे बना हुआ, जो तुम्हें मैंने दिखाया था मॉडल में दिखाया था, वो अब रियल में देखो तुम। सो फिलहाल यहाँ से अब घर की तरफ निकल रहे हैं, जहाँ पे मेरा रूम है। ऑटो या बस वगैरह देखता हूँ, फिर निकलता हूँ रूम पे, भूख लग रही है, कुछ खा पी के जाऊँगा यार। सो गाइस जयपुर तो पहुँच गए, बट एक दिक्कत हो गई है, जो मेरा बैग था मैं बैग लेके नहीं आया, बैग अपना भूल गया। जो बचा कुचा सामान था वो किस में लेके आऊँगा मैं, अब दिक्कत ये हो गई, समझ रहे हो। बिना बैग के सामान कैसे ले जाऊँगा, स्कूल बैग है इसमें तो सामान आएगा नहीं। वो बैग खाली करके मैं लेके आया था, वो वहीं रह गया यार। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like guys, घर के पास पहुंच चुके हैं almost. ये यहाँ का सबसे famous college है, JCRC University. और इसके just backside ही मेरा flat है। तो यहाँ से जयपुर से 1 घंटा लगता है यहाँ पे पहुँचने में। अब यहाँ से अपने फ्लैट पे जाऊँगा, खाना खा लिया है, पेट फुल है, 60 रुपये में 2 नान मिल गए। अब सेट फ़ोन चार्ज, डेड चार्ज नहीं है, डेड होने वाला है, तो घर जाके चार्ज करता हूँ फ़ोन, फिर बात करते हैं आपसे। तो फाइनली गाइस रूम पे पहुँच गए हैं, बट अपने रूम पे नहीं है, भाई के रूम पे हैं, जो हमारे पड़ोसी भाई है उसके रूम पे बैठे हैं।
क्योंकि मेरे रूम का ताला लगा हुआ है और चाबी मेरे पास है नहीं, चाबी है मेरे दोस्त के पास, तो वो आएगा शाम को, तब तक उसका वेट करते हैं, तब तक यहाँ पे चिल कर रहे हैं, गाने सुनेंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, है काफी के साइड में थोड़ा सो जाते हैं। तो फाइनली गाइस मंदिर से वापस आ गए हैं और हमने खाना वाना भी खा लिया है, मालपुआ लेके आए थे आज, सो मालपुआ खा लिए और सेट हो गए, खा लिए एकदम एक नंबर। तो अभी टाइम हो गया 9 बज गए हैं, अभी बैठ के वीडियो एडिट करता हूँ और वीडियो पोस्ट करूँगा कल। तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, आज का जैसा भी मेरा दिन था, आज बहुत हैक्टिक था, सो बहुत ट्रैवल किया है, थक गए हैं, अभी रेस्ट करेंगे। मे बी कल या परसों मेरे को फिर वापस जाना है गुड़गांव, मेरा जो बचा हुआ सामान है उसको लेके जाना है। सो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा अच्छा तो बता देना कमेंट करके, और क्या चीज़ अच्छी लगी क्या नहीं लगी सब कमेंट कर दिया करो, और लाइक और सब्सक्राइब करते चलो वीडियो बनाते जाऊँगा, मोटिवेशन दे दो बस मेरे को, मैं वीडियो फटाफट लेके आऊँगा, ठीक है। सो मिलते हैं तब न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर, राम राम भाई।